हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, पहले टॉपिक का कंसेप्ट जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके ऑलरेडी मैं दो वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग, छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। दो सेक्शन इसमें देखने के, पहला सेक्शन इसमें साइंटिफिक नोटेशन, पहला सेक्शन है साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन मींस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर को आप साइंटिफिकली कैसे इंडिकेट करते हो, ये अपने को इस टर्मिनोलॉजी में समझने का। एकदम सिंपल, केमिस्ट्री ऐसे वैल्यू से रिलेट करता है जो बहुत छोटा है, स्मॉलर वैल्यू है, या कुछ वैल्यू ऐसे केमिस्ट्री में जो बहुत लार्जर है। तो ऐसे वैल्यू का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां पर दिक्कत आती है, और उसे सॉल्व किया किसने, साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, जैसे अलग अलग वैल्यूज अपने पास, लाइक अवोगाड्रोज नंबर हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तो बहुत बड़े वैल्यू नहीं तो बहुत छोटे वैल्यू, तो ऐसे दो वैल्यू का कैलकुलेशन करना बहुत हार्डर है। मैं ऐसे कह रहा हूं, जैसे अवोगाड्रोज नंबर Na, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10^2 कितना, 23। इस वैल्यू को अपने को नॉर्मल इसमें लिखना है, मतलब विदाउट पावर अगर लिखना है तो ऐसा लिखेंगे 6022, इसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है 23 डिजिट से, ये कितना शिफ्ट हुआ देखो, इधर था तो 1, 2, 3, मतलब और इधर जीरो देने, कितने 20। ओके, लिखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन समझ लो, अभी मैंने 20 नहीं दिए, 20 दिए, और फिर ऐसे नंबर का कहां पे यूज करना है हमें कुछ कैलकुलेशन में, तो कितना हार्ड होगा। ऐसे तो लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है 0 0 0 लगा देने के, लेकिन कैलकुलेशन के लिए तो हार्ड होगा ना, तो उसे सिंपल करने के लिए यह मेथडलॉजी आया जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। आप देखते हैं किसी भी नंबर को अपन साइंटिफिक नोटेशन में कैसे देते, एकदम सिंपल टर्म में ध्यान देना, मेथडोलॉजी ऐसा है n इंटू 10^2 n। ओके, जनरल ये n जो है ये कोई भी नंबर है जो 1.000 से लेकर 9.999 तक होगा। बात को समझिए, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, एक डिजिट के बाद, वो कौन है, कैपिटल। और ये जो स्मॉल n है ये एक्सपोनेंट है किसका, 10 का। ओके, लेकिन ये पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है, पावर है 10 का पावर। जैसे देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने ऐसा लिखा, समझो मेरे पास एक नंबर है 834.1। अब इसका मेरे को साइंटिफिक नोटेशन लिखने का रूल क्या है, कैपिटल एन इंटू 10^2 स्मॉल एन, कैपिटल एन 1.00 से लेकर 9.99 तक होना चाहिए। अब यहां पर देखेंगे तो 134.1 इधर डेसिमल पॉइंट है, अब इस रेंज में इसको लाना है, मतलब 8 के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, मतलब ऐसा 8.341। ओके, अब तुमने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया, 4 और 1 के बीच में था, अब वो किधर है, 8 और 3 के बीच में, मतलब पीछे लाया उसको 1, 2, लेफ्ट साइड को लिया। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में लेते हैं तो 10 का पावर प्लस में लेने का, ये दिमाग में फिट रखो। डेसिमल अगर राइट में लेके गए तो पावर माइनस में लेने का, डेसिमल अगर लेफ्ट में लेके गए तो पावर प्लस में लेने का। ओके, कितने से लेने का, जितने डिजिट से शिफ्ट हुआ। क्या कहा, फिर से एक बार, इफ डेसिमल आर शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड 10^2 शुड टेकन एज अ पॉजिटिव। ओके, एंड इफ
decimal point is shifted toward the right side, then exponent, that is 10 raised to, should be taken negative. But how much? जितने डिजिट से आपने शिफ्ट किया, जैसे देखो इधर इधर था 4 और 1 के बीच में, अब 8 और 3 के बीच में आया, मतलब दो डिजिट से शिफ्ट हो रहा है, इधर था ना 1 2, तो ये आ जाएगा 10 raised to 2. क्या आ जाएगा? 10 raised to 2. ये हुआ इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन. जैसे और एक लेते 0.00931. ओके, अब इसको अपने क्या लिखने का है, 9.31 × 10⁻¹. अब यहां पर डेसिमल पॉइंट है, अब वो 9 के बाद लेके जा रहे हैं, मतलब 1 2 3 राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब पावर कंफर्म कैसा होगा, माइनस. ओके, कितने डिजिट से शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3, मतलब ये कितना आ जाएगा, -3. या एक डिजिट है 2.303. ओके, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखने का है, हाँ? तो इसको ऐसे लिखेंगे 2.303 × 10⁻². ध्यान देना 2 के बाद ही पॉइंट है, मतलब ये नंबर आ रहा है बिटवीन 1.002 9.999, इसके बीच में आ रहा है, मतलब इधर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने की अपने को जरूरत नहीं, मतलब 10 का पावर कितना बेटा, 0. डेसिमल लेफ्ट में लेके गए तो पावर प्लस में लेने का, राइट में लेके गए तो पावर माइनस में लेने का, एंड शिफ्ट नहीं किया तो क्या हो गया, 0. कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा 1000, मतलब 1000 है. अब इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखने का आपने को, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1.000. अब डेसिमल पॉइंट था ही नहीं, मतलब ये 0 के बाद कंसीडर कर सकते, आप उसे शिफ्ट किया 1 2 3 डिजिट से, किधर, लेफ्ट साइड में 3 डिजिट से, मतलब इनटू 10⁻², कितना हो गया, 3. बात खत्म. मेरे पास नंबर है 0.0821. अब इसको मैं ऐसा लिखूंगा क्या, 8.21 × 10⁻². डेसिमल पॉइंट इधर जा रहा है 8 और 2 के बीच में, मतलब शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड द राइट साइड, एंड राइट साइड मतलब कौन सा, माइनस. तो कितने डिजिट से, 1 2, तो इधर कितना आ जाएगा, -2. ओके, सही भी है दिमाग में रखने का, डेसिमल ओके, तो पावर का क्या करने का, देखो डेसिमल अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं किधर, लेफ्ट में, तो पावर पॉजिटिव में लेने का. ओके, एंड अगर डेसिमल आप शिफ्ट कर रहे हैं किधर, राइट में, तो पावर निगेटिव लेने का. ये कॉमन चीज है, आपको मालूम भी होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग का कैसा है, लेफ्ट में जा रहे तो पावर पॉजिटिव में लेने का, राइट में जा रहे तो निगेटिव में लेने का, कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव, जितने डिजिट से डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे लेफ्ट में या राइट में. अब अपन ये देखेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन अपन कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं. अब अगर अपन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन अपने पास दो ही तरह के, अब कैलकुलेशन में पहला पॉइंट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तब तब अपन साइंटिफिक नोटेशन का कैसा इस्तेमाल करते हैं अपन देखेंगे. एकदम सिंपल है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो पावर्स का आप क्या करते हो, एडिशन. बात खत्म. एंड डिवीजन कर रहे हो तो पावर का आप क्या करते हो, सब्सट्रैक्शन. सिर्फ इतना दिमाग में रखना, वेल नोन कंसेप्ट है, सिर्फ ये अंडर द हेडिंग साइंटिफिक नोटेशन आता है, ये आपको दिमाग में रखने का. दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसके पावर का एडिशन होता है, दो नंबर का डिवीजन कर रहे हैं तो उसके पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, लाइक दैट. जैसे मैंने ऐसा कहा
एक नंबर है अपने पास 2.31 इंटू 10 रेस टू 2 इंटू 1.2 इंटू 10 रेस टू 4। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों के पावर का क्या होना चाहिए, एडिशन। ये देखो आप 10 रेस टू 2 और 10 रेस टू 4 मतलब 4 प्लस 2 कितना हो गया 10 रेस टू 6। खत्म बात। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 12 से मल्टीप्लाइड करो। 12 वंदा 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 3 जा 36, 36 प्लस 1 37, फिर कैरी 3, 12 2 जा कितना 24, 24 और कैरी 3 कितना हो गया 27। डेसिमल पॉइंट इसके दो और इसका एक, मतलब तीन डिजिट छोड़कर, ये आ गया अपना आंसर। ओके, सिर्फ अपने को दिमाग में रखने का है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना तो पावर का क्या हो रहा है, एडिशन। एंड डिवीजन होता तो पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। समझ लीजिए यही दो नंबर है, 2.31 इंटू 10 रेस टू 2 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 10 रेस टू 4। अगर इसका डिवीजन होता तो क्या होता, अब अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे पावर का। मतलब 2 माइनस 4 तो इधर आ जाएगा, क्या रे बेटा 10 रेस टू माइनस 2, दो में से चार गया। ओके, मतलब 4 माइनस 2 ही करेंगे लेकिन बड़े का साइन देंगे, दैट इज माइनस 2। अब इसका डिवीजन करेंगे, मतलब वैसा 2.31 डिवाइड बाय 12, मतलब आप डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके 23.1 डिवाइड बाय 12 ऐसा अगर करते हैं तो क्या होगा, देखो 12 वंगा 12, 23 में से 12 गया, बचा कितना 11, 11 पे 1 रखा तो 111, तो 12 9 जा कितना बेटा 108, बचा 3, 3 का 30 हा? तो 12 2 जा कितना होगा 24, बचा कितना 6, 6 का 60 तो 12 5 जा, दैट्स वन इज आवर आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन का और ये डिवीजन का। ओके, सिर्फ अपने याद रखने का, मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है और डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन। अब कभी कभी ऐसा होता है ये जो पावर होते हैं उसके साइन भी यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखो और एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 3.281 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इंटू 1.8 इंटू 10 रेस टू 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, मतलब पावर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। अब माइनस 3 प्लस 4 ऐसा करने का, बट ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर का साइन लगेगा, मतलब इधर 10 रेस टू कितना आ जाएगा 1। रूल तो फॉलो करने हैं लेकिन साइन भी तो देखना पड़ेगा। अपन इन दोनों का एडिशन ही कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, लेकिन इसको माइनस साइन है तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, बड़े नंबर का साइन मतलब 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन करो, 18 वंदा 18, इधर 8 कैरी 1, 18 8 जा कितना होता है 144, 144 प्लस 1 कितना हुआ 145, कैरी कितना आ गया बेटा 14, 18 2 जा कितना हुआ 36, 36 प्लस 14 कितना हुआ 50, 50 का 0 कैरी फिर कितना 5, 18 3 जा कितना हो गया 54, 54 प्लस 5 दैट इज 59। ओके, डेसिमल पॉइंट अगर आप देखेंगे इसके तीन और इसका एक, मतलब चार डिजिट छोड़कर, तो आंसर कितना आया 5.9058 इंटू 10 रेस टू 1। ओके, ये हो गया यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंपल याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन रूल फॉलो करते समय अपने को पावर के साइन भी देखने के। ओके, अब दूसरा सेक्शन होता है कैलकुलेशन का, वो होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इसमें क्या करते हैं देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा किया जाता है, तो गिवन नंबर आर रिटन इन अ सच ए वे सो दैट दे हैव अ सेम एक्सपोनेंट, फिर अपन उस एक्सपोनेंट को, पावर को
कॉमन ले लेंगे और फिर नंबर का कैलकुलेशन करेंगे, इट में भी आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, 2.31 इंटू 10^3 प्लस 6.8 इंटू 10^2। अब इन दोनों का मेरे को एडिशन करने का है, हा? तो मैंने क्या कहा, नंबर को ऐसा एडजस्ट करना है कि पावर सेम आ जाए, मतलब इस 3 को 2 करो, नहीं तो 2 को 3 करो, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस 3 को 2 कर रहा हूं, हम्म। अब देखो 3 को 2 करने का है मतलब इनटू 10^2 आना चाहिए, मतलब पावर कम कर दिया, पावर कम कर दिया तो नंबर डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट साइड, मतलब इधर आएगा 23.1 प्लस कितना 6.8 इंटू 10^2। तो आप 10^2 सेम है मतलब कॉमन ले सकते, तो 23.1 प्लस 6.8 इंटू 10^2। ओके, तो इधर क्या होगा देखो, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 2, मतलब आ गया अपना आंसर 29.9। कितना आ गया 29.9 इंटू 10^2 कितना बेटा 2। दैट्स वन इज द कैलकुलेशन। सिर्फ दिमाग में रखने का, पावर को इक्वल करने का, उसे कॉमन लेने का और फिर कैलकुलेशन करना, व्हाट एवर भी जो भी आपका कैलकुलेशन है, एडिशन हो नहीं तो सब्ट्रैक्शन हो। जैसे यही नंबर होते और अगर सब्ट्रैक्शन होता, मतलब कैसा, 2.31 इंटू 10^3 माइनस 6.8 इंटू 10^2। फिर वही करने का अपने को, तो अपन क्या करते, 23.1 इंटू 10^2 माइनस 6.8 इंटू 10^2। 10^2 को कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा, 23.1 माइनस 6.8 इंटू 10^2। तो क्या होगा देखो, 1 माइनस 8 नहीं होता तो 11 माइनस 8 कितना बचेगा 3, कैरी की वजह से ये बचे इधर 2, 2 माइनस 6 नहीं होता 12 माइनस 6 कितना बचा 6, कैरी का 1 गया तो ये बचा 1, तो आ गया अपना आंसर 16.3। ओके, इनटू 10^2 कितना बेटा 2। एडिशन हो नहीं तो सब्ट्रैक्शन हो, रूल सेम है कि पावर को इक्वल करके कॉमन लेने का, फिर गिवन नंबर का जो भी कैलकुलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो आप रेगुलर मेथड से कर सकते हो। ओके, अरे अबे 29.9 इंटू 10^2 आया, मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं आया। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर जो होता है पहला नंबर वो 1.00 से लेकर 9.99 तक होना चाहिए, ये बड़ा है, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे 2.99 इंटू 10^2। अब डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट में चला गया तो पावर बढ़ा देंगे अपन, तो इधर करेंगे 10^3। या फिर इसको ऐसा लिखेंगे कितना 1.63 इंटू 10^2, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से ये हो गया यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पावर इक्वल करने का फिर उसे कॉमन लेने का। ओके, बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके रखो एग्जाम्पल के लिए।